उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं अलग अलग टाइप के सिस्टम। तो सबसे पहले आता है हमारा एसटीआर सिस्टम। तो एसटीआर सिस्टम जो होता है वो होता है सोर्स ट्रांसपोर्ट और रिसेप्टर सिस्टम। तो कोई भी पॉल्यूशन जो रहता है उसके तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक तो उसका सोर्स होगा, फिर उस कोई भी अगर पॉल्यूशन होता है तो उसके तीन सोर्स कंपोनेंट होते हैं। एक तो उसका सोर्स होगा कि मतलब सबसे पहले वो जनरेट होगा किसी भी सोर्स से, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसी भी मीडिएटर के थ्रू, और उसके बाद एक होता है रिसेप्टर। तो वो मतलब ये तीन उसके किसी भी पॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं। तो सोर्स जो रहता है, सोर्स आइडेंटिफिकेशन गिवन एनी आइडिया अबाउट द रिलीज रेट ऑफ पॉल्यूटेंट। तो जब हम सोर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो किस रेट से पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं इसका आइडिया हमको लग जाता है। वंस द पॉल्यूटेंट इज रिलीज इन एयर, वाटर और सॉइल, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो एक बार जब हमारा पॉल्यूटेंट रिलीज हो जाता है एयर में, वाटर में या सॉइल में, और उसके बाद फिर वो दूसरी दूसरी जगह पे वो ट्रांसपोर्ट होता है। और फाइनली द मेन एम ऑफ एनी पॉल्यूशन मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज टू प्रोटेक्ट द रिसेप्टर्स विच कैन बी इकोसिस्टम एज अ होल और ह्यूमन और प्लांट्स और प्रॉपर्टी और एटसेट्रा। तो जो हमारा पूरा पूरा जो पॉल्यूशन मैनेजमेंट का जो हमारा मेन एम होता है वो हमको रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना करने का हमारा पूरा एम होता है। अब वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है, इकोसिस्टम भी हो सकता है पूरा, या फिर हमारे ह्यूमंस हो सकते हैं, या प्लांट्स हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी हो सकती है, कहीं पे भी पॉल्यूशन हो सकता है। फॉर दिस पर्पस कंट्रोल टेक्निक्स टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर डिजाइंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट। और इसीलिए हम लोग जब हम हमारा जो पॉल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम उसका जो नेचर होता है पॉल्यूटेंट का उसके अकॉर्डिंग हम उस हमारी जो भी कंट्रोल टेक्निक होगी उसको हम एम्प्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्वायरमेंटल सिस्टम्स क्या होते हैं। इन्वायरमेंटल सिस्टम से पहले भी हम देख लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो जब भी किसी इंजीनियर को, व्हेन एन इंजीनियर वांट टू लुक एट प्रॉब्लम्स इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, देन दे यूज सिस्टमेटिक अप्रोच। मतलब जब भी किसी इंजीनियर को कोई कोई जो प्रॉब्लम है उसको लार्जर पर्सपेक्टिव से देखना होता है तो वो सिस्टम अप्रोच का यूज करते हैं। इट इम्प्लॉयज लुकिंग एट ऑल द इंटर रिलेटेड पार्ट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन वन अनादर। इसमें सिस्टम अप्रोच में क्या होता है, जो भी मतलब हमारी प्रॉब्लम है उसको जब हम लार्जर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उससे एक दूसरे से जुड़े हुए जो इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं उनको देखा जाता है, उनके इफेक्ट्स को देखा जाता है, एक दूसरे पे वो क्या असर करते हैं। इट इज़ डन टू सिंप्लीफाई द सिस्टम। जो भी हमारा सिस्टम है इसलिए किया जाता है इसको सिस्टम अप्रोच को, ताकि हम पूरा जो सिस्टम है उसको काफ़ी अच्छे सिंपल तरीके से समझ सकें। द सिंप्लीफाइड मॉडल गिव्स अ फेयर अप्रोक्सीमेशन ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन रियलिटी। तो जो हमारा सिंप्लीफाइड मॉडल होता है वो हमको एक फेयर अप्रॉक्सीमेट हम उसमें से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि रियलिटी में क्या होगा। अब ईएमएस क्या होता है, यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये देख लेते हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि सेट ऑफ प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस दैट इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो रहता है वो एक प्रोसेस होती है, या प्रोसेस होती है और प्रैक्टिसेस हो सकती है, वो उनका पूरे सेट को हम पूरा मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। अब ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम करता क्या है, तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा वो उसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो हैं उनको रिड्यूस करने में मदद करता है और हमारी जो ऑपरेटिंग की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता है। EMS is a framework that helps an organization to achieve its environmental goals through consistent review, evaluation and improvement of its practice. तो EMS जो होता है हमारा वो किसी भी organization को उनके environmental goals को achieve करने में मदद करता है। किसके through? Consistent review के through, evaluation के through और improvement of its practice, उसकी practice को improve करने के through। उसके बाद each organization EMS is tailored टू इट्स ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो रहता है उसके कुछ इंडिविजुअल अपने अपने टारगेट्स होते हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनके लिए इसको किया जाता है। तीन तरीके के EMS होते हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, एयर मैनेजमेंट सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स दैट आर कन्फाइंड टू वन ऑफ दीज सिस्टम्स आर कॉल्ड ए सिंगल मीडियम प्रॉब्लम्स। तो वो पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स जो कि
ये जो तीनों हमारे ईएमएस हैं उनके अंदर आती है, उनको बोला जाता है अगर इनमें से एक में किसी में आ रही है तो उसको बोला जाता है सिंगल मीडियम प्रॉब्लम। और वेन अ पॉल्यूशन प्रॉब्लम क्रॉसेस बाउंड्रीज फ्रॉम वन टू अदर देन दे आर कॉल्ड मल्टी मीडिया पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। और जब वाटर की प्रॉब्लम एयर में चले जाएगी या सॉलिड में चले जाएगी, या एयर की प्रॉब्लम वाटर या सॉलिड में चले जाएगी, या सॉलिड की प्रॉब्लम वाटर या एयर में चले जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी मीडिया पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। तो ये दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, सिंगल मीडियम प्रॉब्लम्स और मल्टी मीडिया पॉल्यूशन प्रॉब्लम। उसके बाद एक जनरल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो वेस्ट वाटर जनरेट होता है जहाँ पे सोर्स होता है, तो पहले बॉक्स में आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद वो जाता है ऑन साइट प्रोसेस होने के लिए, जो भी वेस्ट वाटर होता है हमारा वो, उसके बाद वहाँ से वो वेस्ट वाटर कलेक्शन होता है उसका मतलब सबसे पहले प्रोसेस के लिए चला जाता है, उसके बाद फिर वो उसका कलेक्शन करते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट किसके थ्रू करते हैं, पंप्स के थ्रू करते हैं, तो पंप वगैरह हो जाते हैं वहाँ पे लग जाते हैं, फिर वहाँ से वो ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है और ट्रीटमेंट से फाइनली वो डिस्पोज हो जाता है हमारा वेस्ट वाटर। तो अब ये मल्टीमीडिया सिस्टम जो रहता है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम का एक एग्जाम्पल तो हो जाता है हमारा एसी ड्रेन रिजल्टिंग बिकॉज ऑफ द एमिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स विच आर वॉश्ड ड्यू टू रेन एंड पॉल्यूट वाटर एंड सॉइल। तो ये दो मीडियम्स में ये हमारा पोल्यूट कर रहा है, वाटर में भी कर रहा है और सॉइल में भी करता है। एसी ड्रेन नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है ये, और हमारा पॉल्यूट करता है वाटर को और सॉइल को। दूसरा एग्जांपल है मल्टीमीडिया सिस्टम का डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय इंसनरेशन। तो इंसनरेशन जो जब हम जलाते हैं, इंसनरेशन भट्टी से जो बर्न करके निकलता है उससे, उसके थ्रू जो डिस्पोजल होता है वो भी, उसके कारण भी जो एयर पॉल्यूशन होता है और सॉइल पॉल्यूशन होता है, ये दोनों हमारे हो जाते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के एग्जांपल। उसके बाद आ जाता है ईएमएस साइकिल देख लेते हैं हम। तो ईएमएस साइकिल जो होती है हमारी उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जो कमिटमेंट रहता है और पॉलिसी रहती है, उसके बाद इसको प्लान किया जाता है और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद इवेल्युएट करते हैं और फिर रिव्यू करते हैं, और फिर वापस कमिटमेंट और पॉलिसी आ जाती है, और उसके बाद फिर प्रॉपर प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और रिव्यू करते हैं। ये साइकिल जो रहती है ये कंटिन्यूस चलती जाती है और कंटिन्यूस हमारी जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका इम्प्रूवमेंट होता जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस है ईएमएस की उसको एक्सप्लेन करते हुए देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट कमिट्स टू एन एनवायरमेंट पॉलिसी, देन इट्स यूजेस इट्स पॉलिसी एज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर स्टेबलाइजिंग अ प्लान विच सेट्स ऑब्जेक्टिव एंड डेडलाइंस। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है वो सबसे पहले कमिट करता है उसकी एनवायरमेंट पॉलिसी को, और उसके बाद उसके बेसिस पे वो जो एक उसका प्लान एस्टेब्लिश करता है, और उसके बाद अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करता है और उसकी डेडलाइन भी सेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। तो उसको इम्प्लीमेंट करता है फिर उसके बाद, और उसके बाद उसको एवेल्युएट करता है कि कैसी परफॉर्म कर रही है वो, और उसके बाद रिजल्ट आर रिव्यूड बाय टॉप मैनेजमेंट, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा रिव्यू किए जाते हैं। इट रिक्वायर्स प्लान इज रिवाइज्ड, अगर जरूरत पड़े तो उसके प्लान को रिवाइज भी किया जाता है। द साइकिल रिपीट्स एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑकर्स, और लगातार ये साइकिल रिपीट होती है और लगातार इंप्रूवमेंट होता जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज सेट ऑफ गाइडलाइंस इज गिवन बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कॉमनली यूज्ड हम कौन सी गाइडलाइन यूज करते हैं, आईएसओ की गाइडलाइन यूज करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ इज बेस्ड ऑन पीडीसीए, तो पीडीसीए पे बेस्ड होता है आईएसओ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लान डू चेक एक्ट, ये एक साइकिल होती है, प्लान करो, डू काम करो और चेक करो, फिर उसको फिर उस पर एक्ट करो। तो पीडीसीए साइकिल पे आईएसओ हमारा जो रहता है वो बेस्ड रहता है। एक नोट है कि आईएसओ जो था वो 23 फरवरी 1947 को लंदन में फॉर्म हुआ था। उसके बाद फीचर्स जो देख लेते हैं हम आईएसओ सीरीज के, तो वो ये हैं कि आईएसओ 14,000 जो सीरीज थी उसके फीचर्स देख लेते हैं। आईएसओ 14,000 इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स। तो आईएसओ 14,000 जो है वो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स के लिए, उसकी गाइडलाइंस के लिए और उनके टेक्निकल रिपोर्ट्स के लिए डिफाइन करता है। इट्स सेट्स आउट द क्राइटेरिया फॉर एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड कैन बी सर्टिफाइड टू। तो ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्राइटेरिया बनाता है और उसके बाद सर्टिफाई भी करता है, एक सर्टिफिकेट भी देता है। इट मैप्स आउट अ फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉलो टू सेटअप एन इफेक्टिव ईएमएस। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क मतलब टोटल बना के देता है जो कि पूरा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पूरे सेटअप को वो
यूज कर सकता है और प्रॉपर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव तरीके से वो कर सकता है। डिजाइंड फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स एक्टिविटी और इट्स सेक्टर। तो ये जो ISO 14000 है ये किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्टिविटी कर रहा है या कौन से सेक्टर का है इस पर डिपेंड नहीं करता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनाया जा सकता है। उसके बाद जो हाँ डेवलपमेंट देख लेते हैं ISO 14000 की फैमिली का, तो दीज आर डेवलप्ड बाय ISO टेक्निकल कमेटी। एक ISO टेक्निकल कमेटी है उसको ISO TC एक्ट 201 उसको ऐसा भी बोला जाता है, एंड इट्स वेरियस सब कमिटीज, उसकी अलग अलग सब कमिटीज भी है, इसके द्वारा इसको पूरी पूरा डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। ISO 14001 जो रहता है वो प्रोवाइड करता है हमको रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विद गाइडेंस फॉर यूज दैट रिलेट्स टू EMS। तो जो भी जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमको EMS के लिए वो हमको पता चलती है 14001 से। उसके बाद ISO 14001 जो है वो रिक्वायरमेंट विद गाइडलाइन फॉर यूज देता है। ISO 14004 जो है वो जनरल गाइडलाइन देता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ये रिक्वायरमेंट देता है गाइडेंस यूज के लिए और ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके बाद 14005 जो है वो हमको गाइडलाइन देता है फ्लेक्सिबल अप्रोच के लिए और फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके बाद जो 14006 है वो हमको गाइडलाइन देता है इनकॉर्पोरेटिंग एंड इको फ्रेंडली डिज़ाइन के लिए। तो 14006 जो है वो इको फ्रेंडली डिज़ाइन के लिए हमको गाइडलाइंस देता है। उसके बाद 14015 जो है वो इन्वायरमेंटल असेसमेंट के लिए जो साइट्स पे होता है वो और ऑर्गेनाइजेशन में के लिए होता है वो, मतलब EASO इनके लिए हमको जो गाइडलाइंस देता है वो इन्वायरमेंटल असेसमेंट, इसके असेसमेंट के लिए कौन सा ISO है तो वो है 14015। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट एक 14020 और 20 से लेकर 25 तक ये इन्वायरमेंटल लेबल्स देते हैं और डिक्लेरेशन देते हैं। उसके बाद ISO 14030 ये देता है ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बताता है हमको, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ नॉमिनेटेड प्रोजेक्ट एंड एसेट्स। तो जो भी नॉमिनेटेड प्रोजेक्ट्स हैं और एसेट्स हैं उनके बारे में और ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलता है हमको ISO 14030 में। और ISO 14031 में मिलता है हमको इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन गाइडलाइंस। तो एवेल्युएशन की गाइडलाइंस हमको मिलती है 14031 में। और उसके बाद 14040 से लेकर 14049 तक हमको लाइफ साइकिल असेसमेंट के लिए मिल जाता है, डिस्कस प्री प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए मिल जाता है और एनवायरमेंटल गोल सेटिंग के लिए हमारे को गाइडलाइंस मिल जाती हैं। उसके बाद जो है ISO 14050 जो है वो वोकेबुलरी टर्म्स और डेफिनेशंस के लिए है। और उसके बाद ISO जो 63 है वो एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन और गाइडलाइंस के लिए है। और इस इन्वायरमेंटल 14064 जो है वो ग्रीन हाउस गैस के मेजरमेंट के लिए है और जो उसके क्वांटिफिकेशन और उसके रिडक्शन पूरा ग्रीन हाउस से रिलेटेड 14064। और ISO जो 1490 है वो अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज के लिए है और प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स और उसकी गाइडलाइंस के लिए है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए है 14090।